किसान आज देश भर में सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। फतेहाबाद में भी किसान सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए। फतेहाबाद में किसान संगठन नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे और सरकार का पुतला जलाकर अपना विरोध जाहिर किया। सबसे पहले किसान फतेहाबाद की लालबत्ती चौक पर इकट्ठे हुए। इसके बाद नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और लघु सचिवालय के बाहर सरकार के पुतले को जलाया। किसानों का कहना था कि दिल्ली की सीमाओं पर सरकार ने उन्हें आश्वासन देकर घर भेजा था कि उनकी मांगें पूरी होंगी, लेकिन सरकार अब विश्वासघात कर रही है। इसके चलते आज सिर्फ किसान मोर्चा के द्वारा विश्वासघात दिवस मनाने का ऐलान किया गया है और फतेहाबाद में भी किसान रोष प्रदर्शन करके विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। मुख्य मांग हमारी है, सरकार ने जो वादा खिलाफी करी हमारे साथ, किसान मजदूर व्यापारी सबके साथ, उसके खिलाफ आज हम एक ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति जी के नाम डीसी साहब के मार्फत। और हमारी मुख्य मांग है शहीद किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाए, MSP जो है उस पर कमेटी बनाई जाए और जो खराब हुई है हमारी नरमे की फसल उसका पंजाब के बराबर मतलब 17,000 एकड़ के हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए। और जो आंदोलन के दौरान हमारे किसान साथियों पे मुकदमे दर्ज हुए उनको पूरी तरह से निरस्त किया जाए, ये मेन मांगे हमारी। MSP पे कमेटी बने उसके लिए जो है ना, सरकार ने जब हमसे आंदोलन खत्म करवाया था वहाँ से तो सबसे पहले लिखित में यही बात दी थी कि हम जो है ना आपको कमेटी बनाएंगे जिसमें 5 किसान होंगे, 5 सरकार के सदस्य होंगे, लेकिन उस पर सरकार मुकर गई है। उसी दौरान संयुक्त मोर्चा ने आज जो है पूरे भारतवर्ष में ये वादा खिलाफी आंदोलन जो है विश्वासघात दिवस के रूप में आज हमने मनाने का निर्णय किया। किसान नेता रविंद्र कंसावा ने बताया कि आज वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि MSP की मांग, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजे की मांग समेत कुल 6 मांगों को लेकर सरकार से सहमति बनी थी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। किसान संगठनों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वो सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।